लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी बंपर जीत हासिल कर सकती है। आज ही चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया। इसके बाद पीएम न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी दोनों राज्यों में अपनी सरकार बचाने में कामयाब होती दिख रही है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी और उसके सहयोगी को कुल 205 सीटें मिलने का अनुसार है। वही कांग्रेस और उसके सहयोगी को 55 सीटें पर जीत मिल सकती है। अन्य को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी समस्या पानी और बेरोजगारी है। वही मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पहले पसंद देवेंद्र फडणवीस है। वही पीएम की बात करें तो पीएम मोदी महाराष्ट्र में 4 सभाएं लेने वाले हैं। 2019 में बीजेपी को 145, शिवसेना को 59, वही राष्ट्रवादी और कांग्रेस को 25-25 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है और दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब तक सीटों का बंटवारा हो चुका है। 2014 में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 124 सीटें जीत की थी, वही इसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने 63 सीटें जीती थी। 2014 में बीजेपी और शिवसेना ने चुनाव अलग अलग लड़ा था, लेकिन नतीजे दोनों पार्टियों को गठबंधन करके सरकार बनाई थी। इस बार भी शिवसेना बीजेपी की सरकार बनना तय है और देवेंद्र फडणवीस इस बार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट।